ए उठ उठ ना, जब तेरा खुद पे कंट्रोल नहीं होता तो क्यों मेरे अंदर डाल देता है? अबे क्या हो गया, इतनी नींद में आके मेरे को उठा दे? अरे फिर से ठहर गया है क्या? हाँ, अब क्या करूं बता? ऐसा मत बोल रिया, कि कैसी बातें कर रही यार तू, फिर से ठहर गया? कर दिया ना कांड तूने, और अब तक एक कांड तो तेरा मैं झेलती आ रही हूँ। उनको तो लगता है पिंटू उनका बेटा है, उनको क्या पता है वो तुम्हारा कांड है। और मैंने कल ही चेक किया, फिर से रह गया, ठहर गया। अरे यार मैंने तो बाहर किया था, पता नहीं यार अंदर कैसे रह गया। साले तू एक बात बता, तू शुरू से अब तक फटीचर का फटीचर है, तेरे पास जेब में इतने भी पैसे नहीं रहते कि तू एक प्रोटेक्शन ले आए? ओहो बोल तो तू ऐसे रही है जैसे कि इस बार लेके नहीं आया था। इस बार लेके आया था तो तूने मना कर दिया था ना, नहीं नहीं बिना प्रोटेक्शन के करो, मुझे मजा नहीं आता। और उस दिन भी तो यही सीन करा था, जब मैंने बोला था कि प्रोटेक्शन के साथ कर लूँ, तब भी तूने यही जवाब दिया था, नहीं नहीं प्रोटेक्शन के साथ मुझे मजा नहीं आता, ये नहीं होता वो नहीं होता। बात तो मेरी ही कर रही है, हैं? और खुद ही भूल जाती है। देखो तुम्हारे मजे के चक्कर में ना मुझे सजा मिल गई है, मैं कुछ नहीं जानती। अब तुम बताओ मैं क्या करूं, एक महीना हो गया, एक महीने के बाद तो पता चलता है। तो एक काम कर, अच्छा ये बता तूने कितने टाइम से अपने पति के साथ नहीं किया है? पिछले महीने ही किया था, उसके बाद से तो तुम्हारे पास ही आ रही हूं मैं। अबे तो एक काम कर लेना यार, पिछले महीने नहीं किया था ना, उसके बाद से तूने किया ही नहीं अभी तक। नहीं है ना, मेरे पास ही आ रही है। अबे तू उससे जाके एक बार और कर ले, क्या दिक्कत है? इससे कम से कम उसको ये तो लगेगा कि मेरी ये औलाद है। अरे यार तुम यही सब करते रहना और बार बार है ना मुझे पेट से कर देना। वो जो पिंटू है ना तुम्हारा बेटा, उसकी सारी हरकतें तुम्हारे जैसी है, मेरे पति की तो एक भी हरकत नहीं है उसके अंदर। और अभी से ना उसने गुटखा खाना चालू कर दिया है, कल तो पूरे घर में पीक मारता फिर रहा था। अरे गुटखा खा रहा था तो क्या हो गया, है तो मेरा ही लौंडा। और वैसे भी जब उसका बाप खाता है गुटखा तो औलाद क्यों ना खाएगी, आखिरकार राजू रिक्शे वाले की औलाद है वो, समझी? अच्छा मुझे पता है वो तेरी ही औलाद है, ठीक है, और उसकी सारी हरकतें ना तेरे जैसी है, बस मुझे ये डर है कि वो बड़े होके ना तेरी तरह ठरकी ना बन जाए, पता नहीं फिर कितनी लड़कियां घुमाएगा। अरे क्या हो गया, दो चार लड़की पटा भी लेगा तो क्या दिक्कत है, वैसे भी बड़ा तो होने दे तू उसे, उसके बाद देखियो वो कितनों को चोट देता है, समझी? हाँ तुम्हारी हरकतों पे ही जाएगा वो, पूरा पूरा लग रहा है मुझे अभी से लक्षण आने लगे उसको। लक्षण तो आएंगे ही ना, वो तो मुझे ही पता है, तेरा और मेरा खून है वो। समझ रही हूँ। अच्छा ये बता, बोलो अब बातें करती रहेगी यहाँ पे या फिर कुछ करवाएगी? अच्छा तुम्हें पता है ना मैं पेट से हूँ तभी भी। अरे देख दो दरवाजे होते हैं, अगर पहला बंद हो जाए तो दूसरा दरवाजा हमेशा खुला रहता है। अच्छा तो चलो तुम्हें दूसरे दरवाजे में प्रवेश करवाती हूँ आज। और नहीं तो क्या, वैसे भी मैं तो इतना ठरकी हूँ, अगर दोनों दरवाजे भी बंद हो जाए ना मैं तो हाथ से भी काम चला लेता हूँ। अच्छा वो कैसे? अरे तीसरा दरवाजे का नाम सुना है तूने कभी? ओ समझ गई मैं। समझ गई ना, बस उसी की बात कर रहा हूँ मैं भी। चलना चलो।